क्या हुआ मेम साहब, आपने थप्पड़ क्यों मारा? शुक्र कर तुझे भी एक थप्पड़ ही मारा है मैंने। लेकिन मेम साहब, हमने किया क्या है? क्या किया है? तूने मेरी ड्रेस खराब कर दी। ड्रेस? कौन सी ड्रेस मेम साहब? कौन सी ड्रेस? ये देख, तुझे पता भी कितनी महंगी ड्रेस है और तूने खराब कर दी ना मेरी ड्रेस। हम सच कह रहे हैं मेम साहब, हमने ये नई जलाई है, हमें तो इस ड्रेस के बारे में कुछ पता भी नहीं था। देख, एक तो मेरी ड्रेस खराब कर दी, ऊपर से कितना झूठ बोल रही है, तुझे शर्म नहीं आ रही है ना? हम झूठ नहीं बोल रहे मैम साहब, सच कह रहे हैं। हाँ हाँ, मुझे सब पता है कितना सच बोल रही है तू। पर मैम साहब, बस कर, बहुत बोल चुकी है तू। अब इस ड्रेस खराब करने के ना तुझे पैसे भरने पड़ेंगे। पैसे? हाँ पैसे। तुझे पता भी कितनी महंगी ड्रेस है ये, पूरे 15,000 रुपए की ड्रेस है और पैसे तो तुझे भरने ही पड़ेंगे। 15,000? इतने पैसे कहाँ से लेके आऊंगी मैम साहब? मुझे क्या पता कहाँ से लाएगी, लेकिन पैसे तो तुझे भरने पड़ेंगे। ये ड्रेस मैं पार्टी में पहन के जाने वाली थी और देख तूने क्या किया, मेरी ड्रेस खराब कर दी ना। हम सच कह रहे हैं मैम साहब, इतने पैसे नहीं है हमारे पास। तू चुप कर, जितना बोल रहे ना उतना काम कर, समझी? पर मैम साहब, लगता है तू ऐसे नहीं मानेगी। तू रुक, तेरे इस महीने की सैलरी कट, तब तेरी अकल ठिकाने आएगी। नहीं नहीं मैम साहब, ऐसा मत कीजिए, हमारी सैलरी कट मत कीजिए, हमें पैसों की बहुत जरूरत है। हाँ तो मैं क्या करूँ, मुझे भी तो अपनी ड्रेस की जरूरत थी ना, लेकिन तूने क्या किया, मेरी ड्रेस खराब कर दी। सच बोल रही हूँ मैम साहब, हमने नहीं चलाई आपकी ये ड्रेस। बस कर, तू मेरा और दिमाग खराब मत कर, अब निकल यहाँ से। और हाँ, तुम्हें अब कोई सैलरी नहीं मिलेगी, दफा हो यहाँ से। छोटी, ये किस तरह से बिहेव कर रही थी इसके साथ? दी, आपको पता नहीं है इस गवार भिखारी ने मेरे साथ क्या किया है, तू अभी तक यहीं खड़ी है, निकल यहाँ से। छोटी, ये क्या बदतमीजी है? दी, आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? मैंने थप्पड़ इसलिए मारा कि तू उसके साथ बदतमीजी कर रही है। लेकिन दी, आपको पता नहीं है इसने मेरे साथ क्या किया है। क्या किया है? इसने मेरी ड्रेस जला दी। ड्रेस? नहीं मैम साहब, हमने कोई ड्रेस नहीं जलाई। मुझे पता है छोटी, ड्रेस उसने नहीं जलाई है, ड्रेस मुझसे जल गई। सुबह मैं ऑफिस जाने के लिए अपने कपड़े प्रेस कर रही थी, गलती से गर्म प्रेस तेरी ड्रेस पर रख दी और तेरी ड्रेस जल गई। मैं तो सुबह ही बताना चाह रही थी, लेकिन तू सो रही थी और मैं ऑलरेडी ऑफिस जाने के लिए लेट हो चुकी थी, तो सोचा ऑफिस पहुँच के मैसेज कर दूंगी, पर मैं भूल गई। मतलब ये ड्रेस आपसे जली है? हाँ, मुझसे जली, उससे नहीं जली। और सॉरी, मैं तुझे थप्पड़ नहीं मारना चाहती थी, लेकिन तुझे कम से कम ये तो जान लेना चाहिए था ना कि गलती किसकी है। रहने दीजिए मैम साहब, आप जैसे बड़े लोग ऐसे ही करते हैं, हम जैसे छोटे लोगों के साथ हमेशा से ऐसे ही होता हुआ है और आगे भी ऐसे ही होगा, क्योंकि आप लोग कभी भी हमारी बात और हमारी प्रॉब्लम समझ ही नहीं सकते। आप लोगों को तो हमेशा से यही लगता है कि आप लोग ही सही हैं, फिर चाहे हम लोग कितने भी सच्चे क्यों ना हो, पर हमेशा झूठे ही साबित होते हैं। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने बिना सोचे समझे पता नहीं क्या क्या बोल दिया तुम्हें। प्लीज़ इसकी तरफ से मैं भी माफ़ी मांगती हूँ, गलती तो मेरी भी है ना, मुझे माफ़ कर दीजिए। नहीं मैम साहब, अब हम यहाँ पे काम नहीं करना चाहते, मानते हैं कि हम गरीब हैं, पर हमारे लिए हमारा आत्मसम्मान ज़रूरी है, हो सकेगा तो हमें माफ़ कर देना। हम गलती मान तो रहे हैं, प्लीज़ अब। अरे आपको पता है, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो लोग के साथ मिसबिहेव करते हैं, उनके साथ गलत व्यवहार करते हैं, वो ये भूल जाते हैं कि वो जैसा व्यवहार लोगों के साथ करते हैं उनके साथ भी वैसा हो सकता है, क्योंकि ऊपर वाला सब देखता है। तो कभी भी किसी के साथ भी ऐसी कोई भी बिहेव ना करे, मिसबिहेव ना करे, गलत व्यवहार ना करे जिससे सामने वाले को हर्ट हो, उनको बुरा फील हो, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो कहीं ना कहीं आप उनकी नज़रों में भी गिरते हैं और उनको बहुत आप बुरा फील करवाते हैं। तो प्लीज़ आप ऐसा ना करें। और इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज, तो जल्दी से इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड के साथ शेयर करें, फैमिली के साथ शेयर करें। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी स्टोरी हमारे वीडियोज़ में आए, तो आप लोग अपनी स्टोरी मुझे इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं अच्छे से मॉरल के साथ। तो जल्दी से आप अपनी स्टोरी मुझे इंस्टाग्राम पर भेजिए, मैं आपकी स्टोरी का वेट कर रहा हूँ। और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे एफ बी पेज को फॉलो कीजिए, हमेशा से मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।